नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉमी इंडिया में। किसान भाइयों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप अपने धान के उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और आवश्यक बातों को नोट कर लें। जिन किसान भाइयों ने समय से धान की रोपाई कर ली है उनकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो गई होगी, तो इस समय यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है पोषक तत्व प्रबंधन। यदि हम गोबर खाद डाल रहे हैं तो 10 से 12 टन रोपाई के समय डाल देनी चाहिए। अधिक उत्पादन देने वाली लंबी अवधि वाली किस्मों के लिए नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 130 से 140 किलोग्राम पड़ती है। इसी के साथ ही 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास तथा 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है। जब हम लास्ट पडलिंग करते हैं उस समय हमें पडलिंग करने से पहले पूरी फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट से हमें फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी मिलती है, जिससे हमारे दोनों पोषक तत्वों की आपूर्ति सिंगल सुपर फास्फेट से हो जाती है। और पोटाश को हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश में देना चाहिए तथा जिंक को हमें सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जो 21% का जिंक आता है, उससे देना चाहिए, क्योंकि उसमें सल्फर के साथ साथ जिंक भी होती है, तो हमें लास्ट पडलिंग के समय डाल देना चाहिए। नाइट्रोजन को हमें रोपाई के लगभग 6-8 दिन बाद देना चाहिए, जिससे हमारे पौधों की जड़ें मजबूत हो जाएं और जड़ें हमारी नाइट्रोजन को लेने की क्षमता रखें। तो इस तरीके से हमें नाइट्रोजन को 3 भागों में बाँट कर देना चाहिए, अर्थात पहली डोज 6-8 दिन बाद, दूसरी डोज 25 से 30 दिन रोपाई के बाद देनी चाहिए, और हमारी 1/3 भाग जो बची हुई है उसे हमें 50-60 दिन बाद देनी चाहिए। बासमती धान में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि इन्हें ग्रोथ ज़्यादा होती है, विशेषकर जैसे पूसा बासमती 1122, पूसा बासमती नंबर 1, पूसा बासमती 1612, पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1460 लेते हैं, तो इन किस्मों में नाइट्रोजन की लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। उसको भी लेकिन 3 भागों में ही बांट कर दें। पानी देते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दरार पड़ने से पहले पानी देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा नहीं रखना चाहिए, बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहेगा तो उसके अंदर खरपतवार भी कम आएंगे और अच्छे कल्ले बनेंगे। जिनकी फसल 20 से 25 दिन की हो गई है तो कुछ पौधों जिसके कारण मर गए होंगे, जिसके कारण बीमारी आ गई होगी, जिसे विशेषकर बकाने रोग, यदि बकाने रोग आ जाती है तो उन पौधों को निकाल दें जिनमें बकाने देखी गई है, और यदि उनके साथ साथ पौधे मर गए हैं तो उनके स्थान पर उसी किस्म के दूसरे पौधों को लगाएं, जिसे हम गैप फिलिंग कहते हैं। किसान भाइयों और बहनों, यदि आप देर से रोपाई कर रहे हैं जिसके कारण बस, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें, हमारी जो कम अवधि वाली किस्में हैं उनकी रोपाई करनी चाहिए, जैसे पूसा 1692, पूसा 1509, इनको लगाना चाहिए। ये किस्में बहुत अच्छी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। इनका जो रोपाई का अनुमोदन है वो 20 से 25 जुलाई तक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि खेत को हम लेवरर द्वारा समतल करने के बाद ही पानी 5 से 7 सेंटीमीटर हम पडलर द्वारा इसकी जुताई करें, और जुताई करते समय हमें इन बातों को ध्यान ही रखना चाहिए कि 3 से 4 बार जुताई करें, और जब हमारा खेत तैयार हो जाए उसके बाद रोपाई करें। रोपाई करते समय लाइन से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं। यदि आपके पौधों की ज़्यादा अवधि हो गई है, अर्थात 25-30 दिन की या 35 दिन की हो गई है, तो ऊपर से पत्तियों को काट कर तभी रोपाई करें। यदि हम इस तरीके से रोपाई करेंगे तो अच्छे कल्ले बनेंगे और हमारी पैदावार ज़्यादा होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि देर से रोपाई करते समय भी पोषक तत्व प्रबंधन हमको किस अनुसार करना है। यदि आप देर से रोपाई कर रहे हैं तो इसके लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, पोटास एवं जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा पानी भरकर आखिरी जुताई करते समय देना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन को हमें उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के 6-8 दिन बाद पहली मात्रा और 1/3 भाग 25-30 दिन बाद और बची हुई 1/3 भाग को रोपाई के 50-60 दिन बाद देना चाहिए।